إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. در کھول دے مولا رحمت دے آخو آمین آمین. پیارے بھائی یہ بیس بند کرو گلے نو پیندا ہے. در کھول دے مولا رحمت دے साढ़े ऐब गुना सब माफ कर. कहो आमीन आमीन. यदि डबलिंग थोड़ी जी घटा दे लगता है कि तुहानू समझ नहीं आ रही या मैंने सुना समझाने वाला नहीं आ रहा है. ये जो बैठे जिवें दम करवाना है को होशियार हो के बैठो. अज का प्रोग्राम शुरू हो रहा है तुसी होने नाले टेले पै गए हो. जाके बैठो होशियार हो के बेदार हो के हमत नसरापा गोश बन के बैठो. दर खोल दे मौला रहमत दे साढ़े ऐब गुना सब माफ कर. कर करम दी बारिश हर एक ते साढ़े सीने बुगदो तो साफ कर. महरूम न कर सानू रहमत तो अज अपनी रहमत खास कर. ये सच है असी मुजरिम हां पर तेरे बंदे हां सानू मुआफ कर. हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह जल्ला शलालुहु अज़्ज़ा इस्मुहु जल्ला ज़िक्रुहु वला इलाहा गैरुहु दी पाक ज़ात वास्ते खासे. बेशुमार लातादात अनगिनत दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फिर कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि और अली बोलो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम. दी ज़ाते तजबा मुक़द्दसा मुतखरा मुअज़्ज़मा वाते खासे अल्लाह पाक दा शान अजीम रब्बुल आलमीन ने मसरूफियत के बावजूद अपने घर अंदर बैठन की शहादत नसीब फरमाई है. दुआ गो हाँ अल्लाह मेरी हाज़री तुस सब अहबाब की तशरीफ आवरी कबूल फरमाए. बिलखसूस मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद वकास कसूरी साहेब हफिज़हुल्लाह तबारक व तआला और उन्होंने दीगर जमाती रफ़का मुआविनीन और मुंतज़िमीन जिन्होंने बड़ी मेहनत बड़ी कोशिश कावश प्यार मुहब्बत के नाल इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद एहतमाम इंतजाम फरमाया. अल्लाह कारी साहब की और कारी साहब के साथियों की मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए. और मेरे थोड़े सारे वास्ते अल्लाह ताला अज के प्रोग्राम को निजात और इज्जत का सबब बनाए। आखो आमीन। हजरात, मैं इंशाअल्लाह रहमान वबिल्लाही तौफीक ये कोशिश करांगा थोड़ा कीमती टाइम ज़ाया ना होवे। दुआ भी करना मेरी जबान तो कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जिस जमीनों या तो फायदा ना होवे। अल्लाह शरा सदर फरमाए, नेकी और इबादत समझ के कुछ बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैं बयान करा तुसी समात फरमाओ। अल्लाह मेरे समेत तमाम अहबाबों ने पूरी जिंदगी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कह दो आमीन। मेरी गुफ्तगू का उनवान है, मेरे सबक का उनवान है, इस्लाम के अंदर बेटियां के हकूक। हजरात, मैं तकरीबन डेली की बुनियाद पर बिहम्दिल्लाह ताला सफ़र कर रहे हैं। बाकी तो खराबी अपनी जगह से मैनू इतों का पता नहीं, मैं एक ओवरऑल बात कर रहे हैं। हर तरफ ये वबा आम हो चुकी है कि लोग बेटियां के हकूक को सही माने के अंदर अदा नहीं करते, जिसकी मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरत है। और ये बात कहना चाहना, अगर इस्लाम का मुतालिया किया जाए, अगर अल्लाह के कुरान को पढ़िया जाए, ये बात समझ आएगी कि जिन्हें बेटी को हकूक कुरान ने दिते ने, जिन्हें बेटी को हकूक नबी सुल्तान ने दिते ने, जिस कदर बेटी के हकूक दे इस्लाम ने पैरा दिता है। हजरात, किसी मजहब अंदर, किसी कानून अंदर, किसी दस्तूर अंदर इस कदर बेटी के हकूक को बयान नहीं किया गया। अज अल्लाह की जमीन के उपर नीले आसमान की छत के नीचे औरत की आज़ादी की आड़ लैके बड़िया तनजीम बन गई, बड़े बड़े ग्रोह मर्द वजूद अंदर आए और बड़ी खप पाई, बड़ी बकवास की थी, बड़ा जहर उगलिया इस्लाम के खिलाफ। कि देखो जी, जिन्हें औरत को हकूक मिलने चाहिए सन, इस्लाम ने वो हकूक नहीं दिते। पता नहीं किहड़े हकूक का मुतालबा करते ने जी। जिन्नी औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए सी, इन्नी औरत को आज़ादी नहीं मिली। यारों, मैं कहना चाहना, अल्लाह की इज्जत ना गवाह बना के कहांगा, मेरा ईमान है अल्लाह की जमीन के ऊपर और नीले आसमान के छत के नीचे इस्लाम दे खूबसूरत मजहब कोई नहीं, इस्लाम दे खूबसूरत दीन कोई नहीं, इस्लाम दे खूबसूरत दस्तूर कोई नहीं। लोगों, ये इस्लाम है जिन्हें औरत ने हर मैदान अंदर हक अदा किया है। अगर औरत बैसीयत बेटी है, इसके हकूक को इस्लाम बयान कर दे। अगर औरत बैसीयत बहन है, इसके हकूक को इस्लाम बयान कर दे। अगर औरत बैसीयत बीवी है, इसके हकूक को इस्लाम बयान कर दे। अगर औरत बैसीयत माँ है, इस्लाम ने इन्नी अजमत अता की है कि जन्नत माँ के कदम थले रख छी है। इन हकूक ने औरत इस्लाम के अंदर। लोगो, इस्लाम के खिलाफ बातें करने वाले, इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडे करने वाले, मैं ये कहांगा, इन्ह लोगों ने सही माने के अंदर इस्लाम का मुतालिया नहीं किया। इन लोगों ने हालात कबल असर नहीं पढ़िया होगा। मेरे आका के आने तो पहले जो अरब के हालात ने, शायद इन्ह बदुआ ने वो हालात ना पढ़े हो। लोगो, ये मेरे आका की सलातो सलाम के आने तो पहले जो हालात ने, अगर मैं बेतरतीब और बेतफसील बयान करा तो काफ़ी तरह टाइम दरकार है। मैं बात मुख्तसर करनी चाहना। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, कह दो तुझे। थोड़े थोड़े नेड़े नहीं आ जाते, थोड़े थोड़े नेड़े आ जाओ। तुहानू कुछ नहीं आते, क्यों परेशान है? मैं लिख देना कि मैं तुहानू कुछ नहीं आता। आजो आजो, नेड़े नेड़े आजो। अल्लाह तुहानू सलामत रखे जी। आ जे ते करीब हो के बैठो, अल्लाह तुहाडी मोहब्बत नू कबूल फरमाए। हजरात, अर्ज़ करना चाहना, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर बोलो बड़ा बखील बंदा, बड़ा कंजूस बंदा जरा नबी का नाम सुन के दुरूद पाक ना पढ़े। मुहब्बत का मुजाहरा करना, प्यार का मुजाहरा करना, रज रज के दुरूद पाक पढ़ना, गज वज के दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आने तो पहले अरब दे इन्ने हालात खराब ने, इन्ने हालात बिगड़ चुके ने। मेरे उलमा मौजूद ने, रात रात आना सुनना। आका दे आने तो पहले जुल्म ही जुल्म, ज्यादतियाँ ही ज्यादतियाँ, औरतां नाल जानवर जैसा सलूक किया जाता। आका दे आने तो पहले औरतां नाल डंगरां वाला सलूक किया जाता। और लोगो मेरे आका दे आने तो पहले औरतों के हकूक के डाके मारे जाते, औरतों को विरासत को महरूम कर दिया जाता। मेरे आका दे आने तो पहले बेटियों को नफरत करने वाले, धीयां को नफरत करने वाले, इन्हें हालात खराब ने। अपनी जमदियां बेटियां को जिंदा दफन कर दिया करते हैं। हजरात रात आना सुनना। मेरे आका तशरीफ ले आए ने, बेटी को हक मिलिया, औरत को हक मिलिया, भैन को हक मिलिया, माँ को हक मिलिया। और लोग अल्लाह का कुरान समात फरमाना। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हजरात मेरे आका दे आने तो पहले जुल्म ही जुल्म, ज्यादतियाँ ही ज्यादतियाँ। हजरात रा प्यार ना सुनना। मेरे और तुसा दे हादी रहनुमा अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ने। मेरे पाक पैगंबर ने बेटी के हकूक से प्यारा दिता है। लोग जरा ध्यान ना सुना। बेटी का पहला हक की, बेटी का पहला हक की है। इन्हों जिंदगी दी जाए, बेटी को जिंदगी मिलनी चाहिए। अगर बेटे को जिंदा रहन का हक है तो बोलो बेटी को भी जिंदा रहन का। अगर बेटे को जिंदा रहन का हक है और लोगों बेटी को भी जिंदा रहन का हक है। अल्लाह को अकबर कबीरा कहा करना कि पहले इस्लाम तो जुल्म दे डेरे संग, जुल्म ही जुल्म, खंदेरे ही खंदेरे संग। जुआ ते शराब ते ज़ना सर आम सी, झगड़े लड़ाई विच कौम बदनाम सी। बेटी जे मासूम पैदा होंदी किस घर सी, बाप दादा ताई जद मिलदी खबर सी। उदों ताई काम काज होर नहीं सी कर दे, जदों तक जिंदा दर गोर नहीं सी कर दे। माजरा सोना बेटी रोंदी कोर लांदी दा, हाथ जोड़ जोड़ हाड़े अब्बा दी जबानी दा। आखे अबो जान दसो मेरा की कसूर है। जुल्म दा किसा लोग बड़ा मशहूर है। और किसी भी मासूम दी ना गलती कसूर सी, जालमां दे जुल्म दा एक दा सतूर सी। और दिल वाले टुकड़े नो दिल नालों तोड़ के, रोंदी कोर लांदी बच्ची कब्र च छोड़ के। दुनिया ते चन्न दा पिया चमकारा है, मुकिया अंधेरा होया जगमग सारा है। जी बाद में आवाज आती ना उधर बंद कर दो, मेरे नाल पहले आ जाते। हजरात अर्ज़ करना चाहना इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोलो 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 जरा तो मूड बनाओ सुनने वाला, कुछ दिन बनाओ सुनने वाला, मैं भी सुनावा मैंने भी मजा आवे। हजरात अर्ज़ करना चाहना अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ने। लोगों ये बेटी ने जिंदा रहन का हक मिले आए, बेटी ने जिंदा रहन का हक मिले आए। और हदीसी बुखारी दी अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया लोगों इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उकूकल उम्महाति व वदल बनात। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया के लोगों सुन लो, रब्बुल आलमीन ने अम्मी दिना फरमानी नो हराम कर दिता है। और नौजवान मानो सताना हराम है, माँ का दिल दुखाना हराम है, माँ को रुलाना हराम है। मानो सताया ना कर, मानो तड़पाया ना कर, मानो रुलाया ना कर, माँ का दिल ना दुखाया कर। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह पाक ने माँ दी नाफरमानी नु हराम कर दिता है। माँ दी नाफरमानी नु अल्लाह पाक ने हराम कर दिता। दूसरी बात अर्ज करना चाहना, तवज्जो चाहना है। मेरे पाक पैगम्बर इमाम अल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ववादल बना लोगों सुन लो, बेटियां नो कत्ल करना, बेटियां दी जिंदगी खत्म करना, बेटियां नो जिंदा दफन करना और बेटियां नो जाया करना अल्लाह पाक ने हराम कर छड़िया है। फैसला तुहाडे कोलों मैं लांगा। जाओ तारीख पढ़ के देखो, मक्के दे काफर अपनी बेटियां नो पैदा होने तो बाद बच्ची की उम्र 6 साल होंगी या 5 साल होंगी। अल्लाह मेरी तौबा, इस आलम बच्ची ने खड़ा खोद के खड़ा करके जिंदा ते मट्टी पा दिया कर दे सन। बच्चिया पैदा होने तो बाद जिंदा दफन करके मार दे सन। लोगो अज दे मुसलमाना ने पैदा होने तो पहले ही कई बच्चियां जाया करवा छड़िया ने। तुसी भी जमीन के खिते ते रेंदे पे, कोई आसमान ते नहीं रेंदे पे, तुहानू भी पता है, मैनू भी पता है। जगह जगह एक कच्चा बच्चा सेंटर खुले ने, क्यों जी? कि नहीं जनरेटर है? सुनो, मेरा ख्याल ऊपर स्पीकर चल रहे। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो बोलो बोलो। लाइट गई, बिजली बंद हुई, लाइट गई, तुसी तो नहीं ना गए, तो फिर बोलो, बोलते क्यों नहीं? इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अल्लाह पाक ने बेटी को जिंदा रहने का हक दिता है। कत्ल करना जायज़ नहीं, बेटी को जिंदा दफन करना जायज़ नहीं, बेटी को जाया करना भी बोलो जायज़, बोलो जायज़। अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चलेगा, जिन्स मालूम करवाई, बेटी पैदा होने वाली। किन्ने ही ऐसे बेगैरत लोग ने, किन्ने ही ऐसे बेदीन ने, और किन्ने ही ऐसे दरिंदे ने। इंसान कहना भी इंसानियत ही मैं तो ही नहीं समझना। मेडिसिन इस्तेमाल करवा के, आलात इस्तेमाल करवा के, डॉक्टरों ने मिल मिला के पैदा होने से पहले बच्चियां जाया करवाई। जी बेटी नहीं चाहिए, तुसा देखिया नहीं? 15-20 दिन पहले मियाँ वाली का वाकया सुनिया होगा। मैं बाप नहीं कह सकता, इंसान नहीं कह सकता, इंसानियत की तजलील समझना। वो दरिंदा इंसान, शायद दरिंदा भी अपने बच्चे को इवें बेदर्दी नाल कतल नहीं करता जिन्ना उस जालिम ने अपनी बेटी को बेदर्दी नाल शहीद कर छड़िया है। 7 दिन की बच्ची, उहदे नरमो नाजुक जिस्म अंदर जालिम ने 5 फेर मार के बच्ची को शहीद कर दिता है। इस बगैरत ने, उस इंसान ने मक्के दे काफरा दी याद नूं ताज़ा कर छड़िया है। कराची दा वाकया है। हाय मेरे अल्लाह, बाप ने अपनी बेटी को जनाब नहर अंदर चलती नहर अंदर सुट दिता है। ये वो मुआशरा है मेरे अल्लाह, मुसलमान कहलवा के तो मुशरिकिन मक्का की याद ताज़ा करने वाले। सुनिए इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह पाक ने बेटी को कत्ल करना हराम कर दिता है। बेटी को कत्ल नहीं करना, बेटी को ज़ाया नहीं करना, बेटी को ख़त्म नहीं करना। और मैं तुम्हें भी पैगाम देना चाहना, मेरा पैगाम तेरा पल्ले बने आज। मैं कहा करना कि लोगो लोगो ना एक कहर गुजारो, लोगो ना एक कहर गुजारो, तियां कुख दी विच ना मारो। इवें क्या देना जाना लोगो ना कहर गुजारो तिया जमदिया ना मारो ए सदा सदावा प्यारी घर दी खैर मना दिया नी पुत वंडान जमीना तिया दुख वंडा दिया ने नाल मशीना टुकड़ी टुकड़ी करके सुट देना किसी गली न खिलना तो पहला ही पुट देना। ये कैसा दस्तूर है लोगो, ये कैसा दस्तूर है लोगो। कुछ ते समझो कुछ ते सोचो बेटी अल्लाह दी रहमत अम्मी ऐसा फरमा दिया ने पुत वंडा न जमीना तिया दुख वंडा दिया ने। समझी जरा सोने धी बन के जिंदगी विच कई किरदार निभांदी किते भैन किते बीवी ते किते मां अखवांदी है। जिंदगी दे मुख्तलिफ अयाम ने धी बन के जिंदगी विच कई किरदार निभांदी है कदी भैन कदी बीवी ते कदे मां अखवांदी है। मैं देखिया तू भी देखिया होना जे मापे होन दुखां विच घेरे जे मापे होन दुखां विच घेरे पुत्तर सौ वारी मुंह फेरे तियां फिर भी मापियां दी घर भजियां ही आंदियां ने पुत वंडा न जमीना तिया दुख वंडा दिया ने। अर्थ कर रहे हैं बेटी का पहला हक है ये जिंदगी को खत्म ना किया जाए। बेटी में जिंदा रहने का हक मिलना चाहिए और बेटी का दूसरा हक की है बेटी नाल मुहब्बत की जाए, बेटी को असमत दी जाए, बेटी को मुकाम दिता जाए, मनहूस ना जाने आ जाए, बेटी को नफरत ना की जाए। लोग मैं दलील पेश करना चाहना इमाम अल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकल्लम फरमाया अबू दाऊद अंदर हदीस तय्यबा मेरे आका दा फरमाने के लोगो मन कानत लहू उनसा फलम यदहा वलम युहिनहा वलम युसिर वलदहु अलैहा यानि ज़कूरा अदखलहुल्लाहुल जन्ना। मेरे पाक नबी दा फरमाने के लोगो अल्लाह ने जिन्हें बेटी अदा की थी या अपने बेटी को इज्जत देने वाला, बेटी को मुकाम देने वाला, बेटी को अहमियत देने वाला, अपने बेटी को मोहब्बत और प्यार करने वाला मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने बेटी अदा की थी है जिंदा दफन नहीं करता, बेटी को खत्म नहीं करता, मुहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला और अपनी बेटी को बेटे नालों ज्यादा मुकाम देने वाला, अपनी बेटी को बेटे नालों ज्यादा अहमियत देने वाला। हजरात रा ध्यान सुनना सुनना मेरे आका दा फरमाने दी में कि लोगों बेटी ने असमत देने वाला कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह से बंदे नू अपने जन्नत दा मेहमान बनाएगा। इधर मेरे पास वेखो उधर की बंदे नहीं वेखे मैंने वेखो मैं बड़ी दूरों आया इतने तशरीफ लिया तवज्जो तो मेरे पास रखो। अर्ज कर रहे हैं बेटी दा हक है मुहब्बत दी जाए, इनू इज्जत दी जाए, बेटी को मुकाम दिता जाए और माका दी हदीस पेश करना चाहना सैयल जामे दी हदीस पाक सिलसिला सही अंदर भी रवायत मौजूद है हबीब किबरिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकल्लुम फरमाया लोगो तीन चीज़ ऐसिया ने हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अतीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। तेन दी राशिया ने अल्लाह ने मेरे वास्ते महबूब बनाइया, पसंदीदा बनाइया। इन्होंने तीनों चीज़ों नाल मैं प्यार करना, तीनों चीज़ों नाल मुहब्बत करना, तीनों चीज़ों का मैं ख्याल करया करना है। बात मुख्तसर करनी चाहना है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, लोगो मैं खुशबू नाल प्यार करना, खुशबू अल्लाह ने मेरे वास्ते पसंदीदा बना दिता है। और दूसरी बात, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि लोगो बेटी को नफरत करने वालों, तिया को नफरत करने वालों, अपनी औरतों के जुलम ते सियाती करने वालों, सुन लो मैं मुहम्मद औरत दा ते बेटी दा बड़ा ही ख्याल है। और मेरे आका ने यह बात अमलन साबित की है। सईद रवायत मुस्नद अहमद अम्मी आशा फरमादिया ने इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अर्दा कभी कबार गाहे बगाहे वक्त अबू दी मुलाकात वास्ते आया कर दिया ने। मेरे आका इन इज्जत देंदे बेटी फातिमा, सुनो आका इन इज्जत देंदे बेटी फातिमा नू आका इन्ना मुकाम दया कर दे। अम्मी आशा फरमाती ने कि लोगो आका अपनी मसनद नू छोड़ दया कर दे ने, आका अपने तकिया नू छोड़ के अगे बढ़ के बेटी फातिमा दे इस्तकबाल फरमाया कर दे ने। इज्जत दी नबी ने बेटी नू, अल्लाह सानू भी इज्जत देने की तौफीक दे दे। मुख्तसर बात करा, मुहब्बत की गल करना चाहना कि है लखते जिगर नबी दी सरदार फातिमा, जन्नती है और तांदी शालार फातिमा, ओ शाना अताया रब ने मदनी दे फूलनो, हसनैन दी है अम्मा गम खार फातिमा। कौन सैयदा फातिमा तवज्जो चाहवांगा कि जग्गा दा पीर जिस दे एहतराम विच खड़ा, नूरे नजर नबी दी हबदार फातिमा। कौन सैयदा फातिमा तवज्जो चाहना के आबिदत जाहिद अली दी, तवज्जो मेरे पास है, आबिदत जाहिद अली दी, आबिदत जाहिदा हजरत अली दे घर दा शिंगार फातिमा। बेटी दा हक इज्जत दी जाए। तीसरा हक बेटी दा एदी तालीम और तरबियत एहतमाम किया जाए। बेटी दी तरबियत एहतमाम करना है किवें एहतमाम कर, जिवें मेरे मुहम्मद ने तरबियत की है। आ देखो ना तरबियत एक अंदाज पेश करा। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता चलेगा। बात मुख्तसर करनी चाहना, आका दी बेटी फातिमा लोगों नौकरानी लैन वास्ते आई, खादिमा लैन वास्ते आई, को नौकर लैन वास्ते आई है। मेरे आका नू पता चले जाए हजरात मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईशा दी नमाज पढ़ा के बेटी फातिमा ने घर तशरीफ ले जाते हैं। मेरे आका तरबियत करते पे ने, आका से शादियाँ करते ने, बेटा फातिमा ये दुनिया तो गुजर ही जाएगी, अमीर की भी गुजर जानी, गरीबी की भी गुजर जानी, बेटा फातिमा अबू जी बड़ी थकावट हो जानी, सारा दिन काम काज करनी थक जानी आए। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते बेटा फातिमा रात नो सोन लगे आए ए वजीफा करया कर, 33 दफा पढ़या कर सुभान अल्लाह। तुसी पढ़ो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जे नहीं आता इन्ना ले पढ़ लो, आंदा ना सुभान अल्लाह, फिर पढ़ो सुभान अल्लाह। आका फरमाते बेटा फातिमा 33 दफ़ा पढ़या कर सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर। अबू जी फायदा क्या होना है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते बेटा फातिमा ये वजीफा करके सो जाया कर, अल्लाह सारे दिन दियाँ थकावटा खत्म फरमाएगा। और नाल मेरे आका फरमाते होंगे बेटी फातिमा ये वजीफे अपनी जिंदगी का मामूल बना ले। जिन्नी दफा सुभान अल्लाह कहती जाएगी जन्नत में उन्हें पौधे लगते चले जाएंगे। अल्लाह तेन जन्नत का मेहमान बनाएगा, जन्नती औरतों की शरारी आता फरमाए कर रहे हैं। तो बेटी का हक यदि तरबियत की जाए, यदि से शादी की जाए, यदि गैरत पैरा दिता जाए, हया पैरा दिता जाए, ईमान से पैरा दिता जाए, ये दीन का ख्याल किया जाए, पर्दे का एहतमाम किया जाए। लोग हदीस बुखारी की सुनना अल्लाह के पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया लोगो मनीबतुल यमीनल बनाति बिशैइन फअहसन इलैहिन कुन लहु सितरम मिनन नार। सुभान अल्लाह। इस हदीस का तर्जुमा जरा ध्यान से सुनना। मेरे आका दा फरमाने के लोगो अल्लाह जिन्हों बेटियां दे किया जमा लेंदा है, मालूम ही हुंदा है अल्लाह बेटियां दे जरिए अपने बंदियां दी आजमाइश करदा है। बोलो अपने बंदियां दी, अल्लाह अपने बंदे दी आजमाइश करदा जे बेटियां दे जरिए। और मैं गल करन लगा जे मैं एक जुमला कई दफ़ा बोले है अल्लाह बेटी उन्होंने देंदे ने जिहदे नाल अल्लाह नूं प्यार हुंदा है। मैं चल दलील पेश करांगा। अल्लाह धी उन्होंने देंदे ने जिहड़ा बंदा रब नूं बड़ा प्यारा लगे तो बड़ा चंगा लगे। अर्ज कीता है अल्लाह बेटियां दे जरिए आजमांदे ने, बेटियां दे जरिए अल्लाह की करते ने आजमाइश करते ने। और दो हदीसें, एक तिरमिजी दी एक बुखारी दी। तिरमिजी दी हदीस अल्फाज ने इदा अहब्बा कौमन इब्तलाहुम फमन रदिया फलहु रिदा वमन सखीद फलहु सुख्तु। अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के लोगो अल्लाह जिस कौम नाल मुहब्बत करते ने अल्लाह उस कौम नूं आजमा लैंदे ने। अल्लाह जिस कौम नाल मुहब्बत करते अल्लाह उन्हों जिवें साड़ी आजमाइश हो रही है ना, क्यों जी आजमाइश साड़ी हो रही है ना वैसे कि कौन ही हो रही। अल्लाह पक्का रखे, पक्के होने इंशाअल्लाह। आहो मैं इशारा तन बात करांगा। साड़ी आजमाइश हो रही है अल्लाह की जो तवे आजमा लवे, भुख दे के आजमा लवे, हाँ जी अल्लाह पाक महंगाई करके आजमा लवे, तो गंदे हुक्मरान दे के अल्लाह आजमा लवे। किसी तरीके अल्लाह आजमाइश तो करते ही नहीं ना बंदियां दी। बहरहाल एक अर्ज करना चाहना मेरे आका ने फरमाया अल्लाह जिस कौम नाल मुहब्बत करते हैं अल्लाह उस कौम को आजमाते ने, अल्लाह उस कौम की आजमाइश करते जे। और जिहड़ा बंदा रब की आजमाइश से राजी होएगा उस बंदे ते रब भी राजी होएगा। दूसरे हदीस बुखारी के अंदर मैं युरिदिल्लाहु बि खैरन युसब मिन्हु इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकल्लम फरमाया लोगो अल्लाह जिसको बंदे नाल भलाई दा इरादा करदे ने, अल्लाह जिस बंदे नाल मुहब्बत करदे ने अल्लाह प्यार करदे ने, अल्लाह जिस बंदे नूं अपना बेली बनांदे ने अल्लाह उहनूं आजमा लैंदे ने। अल्लाह भुख दे के आजमा ले, अल्लाह बीमारी दे के आजमा ले, अल्लाह बेटियां दे के आजमा ले। लोग ध्यान न सुनना, बेटियां रब की रहमत ने और आजमाइश बन के आया कर दिया ने। अगली गल ध्यान न सुनना इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकल्लम फरमाया लोगो अल्लाह पाक ने बेटियां दे के आजमाया। जिन्हों अल्लाह ने बेटियां दित्तियां ने ये बंदा अपनी बेटियां नाल एहसान करदा है। बोलो की करदा है? तियां नाल की करदा है? एहसान कर। एहसान का माना की है जो फतुल बारी पढ़ के देखो। मैं बड़ी जिम्मेदारी गल कर रहा जी, मेरे उलमा तशरीफ रखते जे। अल्लाह ने बेटियां ता की इन्होंने एहसान करदा पिया है। एहसान का माना की है बेटियां दे हक देने वाला है, बेटी को जिंदगी देने वाला है, बेटी को मुहब्बत देने वाला है, बेटी को इज्जत देने वाला है, बेटी की तरबियत करने वाला। एहसान का माना की है अल्लाह ने बेटियां ता की इन्हों की तरबियत करने वाला से शादी करने वाला है, इन्हों की देखभाल करने वाला है। एहसान का माना की है बेटियां जवान हो जांदियां ने किसी अच्छी जगह ते इन्हों का रिश्ता तय कर देने वाला है। एहसान का मन है, टाइम पर शादी कर देंदा। तो साढ़े मुआशरे के अंदर जो तक कुड़ी मुंडा 35 साल का ना उदों तक बालग नहीं होंगे, उदों तक शादी के काबल ही नहीं था। मैं क्या बाबा जी ने कहा, मैं क्या बाबा जी तेरे मुंडे की उम्र होगी 34.5 साल तो शादी कर दे। दिल तो मेरा करता पर मुंडा अपने पैरों पर खड़ा हो लवे। मैं क्या पहले रेड़ जाए, ये भी पैरों पर खड़ा करन दे। एक तो दी इंसानियत है। और यारो सुनो, मैं बात कहना चाहना, हर बंदा जिम्मेदार है, बाप भी जिम्मेदार है, औरत भी जिम्मेदार है, मर्द भी जिम्मेदार है, खावत जिम्मेदार है, बीवी जिम्मेदार है। बेटी बेटे की टाइम से शादी करे, टाइम नाल निकाह करे, टाइम नाल इज्जत नाल उन्हें अपना घर दे दे। अगर नहीं देगा क़यामत का दिन होएगा। अल्लाह दे हैं ऐसे बंदे को रब्बुल आलमीन ने सवाल करने, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही। हर बंदा जिम्मेदार है, हर बंदे को उसकी जिम्मेदारी के मुतलक पूछा जाना। ये जिम्मेदारी एक टाइम ना शादी करने 35 साल 35 साल, एक कितों दिन इंसानियत है। बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती, बहुत बड़ी नाइंसाफी है और बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा। और कई ऐसे देखे ने बाबे, अल्लाह की कसमें, धियां की शादी इस वास्ते नहीं करते कि विरासत च हिस्सा ना देना पै जाए। यह बड़ी वड्डी लानत है। जायदाद ना किते देनी पै जाए। मेरा साहिवाल का वाकया है। एक नौजवान साड़ी बच्ची, साड़ी शिगिरदा, कहने लगी उस्ताद जी 3 बच्चे हो गए ने, मेरा बाप मैनू मेरा हिस्सा नहीं देता, जो मेरी विरासत बनती है तकरीबन मेरा हिस्सा, मेरा बाबा मैनू मेरा हिस्सा नहीं देता। मैं बाबा जी ने बुलाया, हाजी साहब हिस्सा दे दियो, अल्लाह दे हां पूछा जाएगा। कहना कारी साहब बड़ा दिल करता हिस्सा दे दें, लेकिन डर इस बात का आंदा है कि मेरी खून पसीने की कमाई है, कितने गैरा चना चली जाए। मैं कि अकल दे अन्ने हाँ, और धी का हिस्सा देने लगे नहीं सो सोचा कि गैरा च चली जाएगी। और जो धी का हिस्सा देने लगा से उदो तेन ख्याल ना आया और तेनों तेरी धी नाल दौलत तेनों ज्यादा अजीज है। चंगी खेड़ बनी। कोई चाची की गल ना किसी के पल्ले पै जाए। हाँ, ये चाची दी गल्लां ने, ये गल्लां ने चाची दी गल्लां ने, है कड़वियां ने, है बड़िया करखत ने। ये जरिए कुनैन दी गोलियां अगर हजम हो गई ना तो इंशाल्लाह धियां पुत्रों को हक मिल जाना जे और इंशाल्लाह मेरी तुहाडी कामयाबी दराज जे। हदीस पेश करना चाहना, सुनिए। मुसदर हाकम दी सही रवायत है। मुसनद अहमद सिलसिला सैयद हदीस पाक अब्दुल्ला बिन अमर बिन औस हदीस शरावी ने, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो सुन लो, जो रब ने 4 चीज़ां दित्तियां ने, बंदा ये नहीं कह सकता मैनूं रब ने दिता की है। जिन्होंने 4 चीज़ां मिलियां ने, बंदा रब का शुक्र अदा करे, अल्लाह दुनिया आखिर की कामयाबी और इज्जत नाल माला माल फरमाएगा। तफसील अंदर नहीं जाना चाहता। इन्हां 4 चीज़ां विच पहली चीज़ हिफ्ज़ु अमानतिन। आका दा फरमान, बंदा जिम्मेदार है, जिम्मेदारी का एहसास करता है, जिम्मेदारी का ख्याल करने वाला, जिम्मेदारी नूं कमा हकू अदा करने वाला है। यह जिम्मेदारी है कि बच्ची बच्चे की टाइम से शादी की जाए। सुनिए, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अल्लाह ने बेटियां अदा की है, एहसान करदा बेटी नाल, तरबियत करने वाला है, देखभाल करने वाला, इज्जत गैरत हया दी तालीम तरबियत देने वाला है। एहसान दा मना किए, बेटी जवान होगी, बालिग होगी, बरवकत होगी, शादी कर देने वाला, निकाह कर देने वाला है। हजरात एहसान दा माना किए, अल्लाह ने बेटी अदा की दी, उन्होंने विरासत जायदाद विचों हिस्सा भी पूरा पूरा देने वाला है। एहसान दा माना कि धी नूं हिस्सा भी देना है, विरासत हिस्सा धी दा के, क्योंकि लोग पहले खाते सन ना, लोग पहले धियां विरासत तो महरूम करते, औरतों की विरासत के डाके मारते। मेरे आका औरतों की मुहाफत, औरतों की विरासत मेरे आका पासबान और मुहाफत बन के आए हैं। अल्लाह पाक सानू भी हिस्सा देने की तौफीक दे दे। तो कई 7-7 हज करके ना, कारी साहब 7-7 हज करके कई जन्म का टिकट लै लेंदे ने। 7-7 हज करके कहता, पुत्रो मेरे जीदिया जीदिया बयान दिलवा लवो, मेरे जीदिया जीदिया मेरे को सैन शैन करवा लवो, तो सारी जायदाद आपने ना लगवा लो कि मेरे मरण तो बाद अखा मैं बंद कर जावा पिछो कि धी ना हिस्सा लै जाए। इवें तो जुलम करते नहीं, बोलो तो सही। हुण मसले पुछदा फिरदा कहंदा जी मेरी बेटी ने आ सुनो एवें फिडर पींदा है ना, फिडर पींदा सानू कमला बनाउण दे। कहंदा जी मेरी बेटी ने अपनी खुशी नाल मेरे पुत्र नू सारा कुछ मुआफ कर दिता। मैं कहा तेरा पुत्र क्यों नहीं मुआफ करता और तेरा बेटा क्यों नहीं मुआफ करता, बेटी मुआफ क्यों कर दी है? हाँ दरअसल बात यह आ मैं भी मुआशरे च रहना, पहले इतला मिल चुकी होंगी है, सज्जे खब्बे इतला मिलती तो हिस्सा मंगी सही, फिर आई मेरे पिंड आई फिर मेरे खूह ते मैं तेरे लत्तां ना तोड़ियां ते फिर मेरे घर वड़ के वेखी तू नाले। हाँ जी पहले पैगाम इतला मिल चुकिया होंदे है। हाय अल्लाह ओ बेचारी ओनू पता है जे मैं हिस्सा ले लिया मेरे प्यो का मूँह विंगा, माँ का मूँह विंगा, भाई नाराज, भैन नाराज, भाभियां नाराज ने, सारी जिंदगी में अपने जनाब मेकिया ते नहीं जा सकना। और यारो सुनो ओ बेचारी इन्हां मुहब्बतां नू देख के शहर का प्याला पी लैंदी लेकिन रब ने मुआफ नहीं जी करना। किन्ने किन्ने लोग ऐसे ने, हाय मेरे अल्लाह यार। अगर बाप दा बेटी दे हक च बेटी दा कोई बाप दे हक नहीं। अम्बिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो बेटी नाल एहसान करने वाला शादी करे हिस्सा दे दे वरासत जो तकसीम तो हिस्सा पूरा पूरा देने वाला है। मेरे आका दा फरमाने के लोगों जिनने एहसान किया अपनी बेटी नाल, सुनो जिनने एहसान किया अपनी बेटी दे नाल कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह से बंदे नो जहन्नम कोलों आज़ादियां नसीब फरमाएगा। ते जड़ा डंडी मार गया, जिन्हें डंडी मारी, धोखा किया, फराड़ किया, लोग मैं जन्नत दा ठेकेदार नहीं, आका दी हदीस दा चौकीदार, रवायत ना मिले तो मैं जिम्मेदार। हदीसी बुखारी मुस्लिम दे अंदर हजरत माकिर बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्दा हदीस तजबा बयान कर देने। मेरे आका दा फरमाने लोग मा मिन अबदिन, सुनो सुनो, मा मिन अबदिन तियां दे हिस्सा खाने वालों, बेटियां दे हिस्सा खाने वालों और भैनों दे हिस्सा खाने वालों, सुनो मामिन जन्ना। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो जरा बंदा अपने बेटे बेटियां नाल, अपने तियां पुत्रां दे नाल, अपने बच्चे बच्चियां नाल धोखा करदा करदा मर जाएगा, ये फराड करदा करदा मर जाएगा। जरा बंदा अपने बेटे बेटियां नाल ये बदयांती करदा करदा मर जाएगा, अल्लाह जन्नत उत्ते हराम कर देगा, नहीं जा सकता जन्नत के अंदर। सूद खाना भी हराम है, जुआ खेलना भी, बोलो यार, सूद खाना भी, जुआ खेलना भी, रिश्वत लेना भी, तियां दा हक खाना भी, ढिले ना बोलो, बोलो ना, तियां दा हक खाना भी, भैनां दा हक खाना भी हराम है। जब तक बंदा हराम तो तौबा नहीं करेगा अल्लाह की कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। इबादत की कबूलियत वास्ते हलाल का होना जरूरी है, हराम तो बचना जरूरी है। ये नहीं मैं नहीं कहता, हदीस पर पेश करांगा। तिरमिज़ी दी हदीस पाक नबी ने फरमाया लोगो इत्ताकिल महारिम तकुन अबुदन नास, हराम को बचो फिर इबादत का फायदा होगा, वगैरह कोई फायदा नहीं, तुम्हारी नमाज़ां दा तुम्हारे रोज़े का कोई फायदा नहीं। जो अल्लाह पाक सानू हराम तो बचा के रखे, अल्लाह हिस्सा देनी तौफीक देवे। हजरात अर्ज़ कर रहे हैं इमाम अल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो एक और हदीस सुना के बाद मैं मुकाना चाहना है। आका दा फरमाने मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाओ यौमल क़यामति अना वहुवा फज़मना साबिअहू हबीब किबरिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो जिन्हों अल्लाह ने दो बेटियां अदा की दो बेटियां दी तरबियत करे, एहसान करे, टाइम से शादी कर देवे, वरासत हिस्सा दे दे। मेरे आका दा फरमाने के लोगो जिन्हें तियां दी खैर खाई की तियां ने एहसान किया है, कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह जन्नत भी नसीब फरमाएगा, इंज करके मेरा साथ भी नसीब फरमाएगा। तर्जमा करके बाद मौका लगा गल सारी समझ आ जाएगी कि दो बेटियां पालियां जिन्हें उन पाक नबी फरमा गया, दो बेटियां पालियां जिन्हें उन पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। दो बेटियां जेड़ा पालेगा नाले अदब अदाब सिखा लेगा, जेड़ा पाले खूब संभालेगा, ओ आखरत अपनी बना गया। दो बेटियां पालियां जिन्हें उन पाक नबी फरमा गया। तो जो करना बुखारी दे रीत दा तर्जमा कर लगा, ओ पालियां बेटियां ते कीती शादी ओनू अग थी मिली आजादी। कुन्ना लहू सितरम मिनन नार दा तर्जमा के पालियां बेटियां ते कीती शादी, हक दिता ते कीती शादी है, ओनू अग थी मिली आजादी है। कीती बदरी मुनीर मुनादी है, सारे जग नू ओ समझा गया। जी दो बेटियां पालियां जिन्हें उन पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। तवज्जो फरमाना, ए बेटी बहन बीवी किते मां लोगो हुंदी अपनी अपनी था लोगो, ए बेटी बहन बीवी किते मां लोगो हुंदी अपनी अपनी था लोगो, जन्नत दी बन दी अच्छा लोगो, उच्च रुतबे नबी अता गया। दो बेटियां पालियां जिन्हें उन पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। जो बेटी बहन पाबंद कुरान दिए नाले आका दे फरमान दिए। मेरा पैगाम सुना, अगर मेरी भैन सुन रही तरह तैयार न सुना। जो बेटी बहन पाबंद कुरान दिए नाले आका दे फरमान दिए, ओ ते रहमत रब रहमान दिए, सोना रहमत जड़ियां ला गया। दो बेटियां पालियां जिन्हें उन पाक नबी फरमा गया। कर हजरात तरह तैयार न सुनिए, ए बेटी खुशबू पर या फूल लोगो, जड़े बिकन बदारन मुल लोगो। ए बेटी खुशबू पर या फूल लोगो, जेड़े विकन बाजार अनमुल लोगो, हीरा मोती है अनमुल लोगो, ताहिर मुकदी गल मुका गया। दो बेटियां पालियां जिन्हें उन पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। मालिकी कायनात दा कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير। अल्लाह पाक सानू अपने बेटे बेटियां दे हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं लफ्ज़ इक्तिफ़ा कर बाकी फिर कदी सी अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।